तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल SMII पे। दोस्तों, इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं। दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के स्टॉक की, दैट इज़ HCC लिमिटेड। और इस कंपनी के स्टॉक में आप देख सकते हो फ्राइडे के दिन बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिल गया है। 15.60% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली है और ये जो स्टॉक है 18.90 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। अब आने वाले टाइम में इसके टारगेट क्या रहेंगे, इसके सपोर्ट लेवल क्या होंगे, रेजिस्टेंस लेवल क्या हैं, सारे डिटेल लेके करके चेक करेंगे, लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर भी चेक करेंगे। लेकिन एंड तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके स्टॉक का एनालिसिस कर लेते हैं। तो एक दिन में इस स्टॉक ने 16 के अराउंड सपोर्ट बना के बहुत ही बढ़िया रैली शो की हुई है। और यदि इस स्टॉक का लास्ट 5 डे का पैटर्न देखें तो यहाँ पे भी आपको सपोर्ट लेवल जो है वो 16 के अराउंड ही दिखेगी। पहले इसमें कंसोलिडेशन चल रही थी, लेकिन फ्राइडे के दिन 11 फरवरी को इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी ब्रेकआउट देखने को मिली है। ओवरऑल 9.25% की रैली है। यदि इस स्टॉक का लास्ट 1 मंथ का पैटर्न देखें तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है 14 की दिखेगी और इसमें आप देख सकते हो लास्ट 1 मंथ में बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हो चुकी है। 21.94% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। और यदि 6 मंथ का पैटर्न देखें तो यहाँ पे और भी बढ़िया रिटर्न्स ही आपको देखने को मिलेंगे। और आप देख सकते हो लास्ट 6 मंथ में इस स्टॉक में 86.21% की रैली जो है वो हो चुकी है। पहले इस स्टॉक में कुछ कंसोलिडेशन होती है, फिर सडन राइज होता है, फिर इस स्टॉक में कुछ टाइम के लिए आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। लेकिन अब फिर इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी तक ये जो स्टॉक है 20 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है, जो कि इसका बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल है। यदि इसका 1 ईयर का पैटर्न देखें तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। 125% के रिटर्न जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसे नहीं है कि इसने लीनियरली रिटर्न्स बना के दिए हैं, यहाँ पे भी आपको करेक्शन भी देखने को मिलेगी, रैली भी देखने को मिलेगी। ओवरऑल ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है। इसने 1 ईयर में अपने इन्वेस्टर्स का जो पैसा है डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। लेकिन 5 ईयर का डाटा जो है बहुत ही बड़ा नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन इस स्टॉक में हो चुकी है, लेकिन अब इस स्टॉक में आपको ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमने लास्ट 1 ईयर के चार्ट में दिखाया है। मैक्सिमम पैटर्न देखें तो 1700% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल इसके चार्ट में आपको वॉलेटिलिटी ही देखने को जो है वो मिलेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर भी जान लेते हैं। ये जो कंपनी है दैट इज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी विच इज हेडक्वार्टर्ड इन द मुंबई इंडिया, एंड इसका जो बिजनेस है दैट इज ओवर द स्पैन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, दैट इज इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो ये जो कंपनी आप देख सकते हो डिवर्सिफाइड बिजनेस करती है, डिफरेंट सेक्टर्स में जो है वो बिजनेस करती है। तो ये जो कंपनी है 1926 में शुरू हुई थी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इसके 1163 हैं। तो यदि इसके दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेवेन्यू में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। यदि नेट इनकम का, ईपीएस का और मार्जिन देखें तो वो आपको रिडक्शन ही शो कर रहे हैं। और यदि इसका ऑपरेटिंग इनकम देखें तो वो भी आपको पॉजिटिव ट्रेंड ही शो करता दिख रहा है। तो अब हम इस कंपनी के लेटेस्ट जो है पैरामीटर चेक करेंगे, टेक्निकल्स भी जानेंगे। आजकल इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया ब्यूलिश पैटर्न और ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो ये जो कंपनी कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग में काम करती है। और यदि इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस कंपनी का जो आजकल पैटर्न देखने को मिल रहा है बहुत ही ब्यूलिश है, ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में, जैसे कि हमने आपको चार्ट में भी शो करके बताया है। अपने लोएस्ट सपोर्ट लेवल से अब ये जो स्टॉक है बहुत ही बढ़िया रिकवरी, बहुत ही बढ़िया ब्यूलिश पैटर्न जो है वो शो कर रहा है, ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। और यदि इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो दैट इज नियरली 2874 करोड़। पीई रेशो इसकी जो है 5.31 की है, सेक्टर की पीई रेशो 41 की है। तो सेक्टर के कंपैरेटिवली ये जो स्टॉक है बहुत ही लो वैल्यूएशंस पे आपको मिल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और पैरामीटर जो हैं वो हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। इसके रेजिस्टेंस लेवल देखें तो पहला रेजिस्टेंस लेवल 20 के अराउंड ही है, जैसे कि हमने आपको बताया है। दूसरा 21.50 का है। तीसरा रेजिस्टेंस लेवल 23.65 का है। यदि सपोर्ट देखें तो 16.85, 14.70 एंड तीसरा जो सपोर्ट लेवल है 13.45 का है। पाइवट इसका 18.10 का देखने को मिला है।
आइए इसके मूविंग एवरेज भी चेक कर लेते हैं। 5 डे को छोड़ के अदर मूविंग एवरेज आर क्वाइट ब्यूलिश, क्योंकि आजकल ये जो स्टॉक है अपने ऑल मूविंग एवरेज से अब ही ट्रेड कर रहा है। करंट इसकी मार्केट प्राइस नियरली 19 रुपीज़ है। बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। प्राइस की परफॉर्मेंस हमने आपको बता दी है। लास्ट बंद जीयर से इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ पैटर्न देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते जा रहे हो, वैसे वैसे इस स्टॉक में आपके रिटर्न्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं। यदि वॉल्यूम का एनालिसिस देखें तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में बहुत ही बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला था, 8 करोड़ का वॉल्यूम था और 35% के राउंड डिलीवरी थी। 1 वीक का एवरेज वॉल्यूम 3 करोड़ का है, 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 1 करोड़ का है। तो एवरेज के कंपैरेटिवली फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में बहुत ही बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अब इस स्टॉक में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। इसके टेक्निकल्स भी पॉजिटिव हैं और इसके जो लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर्स हैं दे आर पॉजिटिव। इसकी जो नेट सेल्स का डाटा है यहाँ पे आप देख सकते हो, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंसोलिडेटेड दिसंबर 21 नेट सेल्स हैज़ बीन रिपोर्टेड एट ₹2670 करोड़ एंड दिस इज इंक्रीज बाई 11.02% ऑन ईयर बेसिस। तो इस कंपनी की नेट सेल्स में बहुत ही बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिल चुकी है। आइए इसके लॉन्ग टर्म का ग्रोथ पैटर्न भी देख लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को पहले मिल रही थी 17 से लेकर 21 तक। इस कंपनी के रेवेन्यू में ओवरऑल जो है रिडक्शन देखने को मिली है। पहले इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला था अप टू 2019, लेकिन उसके बाद इस कंपनी के रेवेन्यू में आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यदि इसकी परफॉर्मेंस देखें, इसके लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर्स देखें तो हमने आपको बताया है जीयर ऑन जीयर बेसिस तो मिक्स पैटर्न ही देखने को मिलेगा। पहले हम रेवेन्यू का डाटा देख लेते हैं। तो रेवेन्यू बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहा है। इसका जो रेवेन्यू है दिसंबर 20 में 2405 करोड़ था, दिसंबर 21 में ये बढ़ के आप देख सकते हो 2670 करोड़ हो गया है। जीयर ऑन जीयर बेसिस पे जरूर ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ रिडक्शन भी देखने को मिली है। आइए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी है इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 34.71% की है, FIIs की होल्डिंग 11.63% की है, DIIs की होल्डिंग 13.43% की है, पब्लिक के पास 40.22% का स्टेक है। और यदि इस कंपनी में हम देखें प्रमोटर्स की होल्डिंग तो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है और उनके जो प्लेज शेयर्स हैं वो भी सेम है 92% के अकॉर्डिंगली। और यदि म्यूचुअल फंड्स का डाटा देखें तो रिडक्शन शो हो रही है। यदि हम FIIs का डाटा देखें तो दिसंबर 21 में इसके जो FIIs की होल्डिंग है वो आपको इंक्रीज होती दिख रही है, मिक्स ट्रेंड देखने को मिला है। और इसका जो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मिक्स है। एंड में यदि हम इस कंपनी की कंपैरिजन करें डिफरेंट पीएस के साथ तो इसकी अभी जो वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो आप डिफरेंट पीएस के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो। पीई रेशो 5.31 की है, केएनआर कंस्ट्रक्शन की 22 की है, पीएनसी इंफोटेक की 12 की है, रेल विकास की 6.46 की है। तो आजकल ये जो स्टॉक है बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आपको मिल सकता है। तो आप देख सकते हो आजकल ये जो स्टॉक है इसके नंबर्स ओवरऑल पॉजिटिव हैं, रेवेन्यू का डाटा पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहा है जीरो ऑन जीरो बेसिस पे, और इसकी जो टेक्निकल्स हैं दे आर वेरी वेरी ब्यूलिश। तो शॉर्ट टर्म में ये जो स्टॉक है बहुत ही बढ़िया टारगेट हिट करता आपको दिख सकता है। ओवरऑल इसके जो नेट सेल्स देखें तो यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव ग्रोथ ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो कंपनी है इंफ्रास्पेस की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है और इसमें आज कल आपको बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। नेट सेल्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका बिजनेस जो है वो एक्सपेंड होते दिख रहा है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि इसके नेट सेल्स का वॉल्यूम पॉजिटिव है, लेकिन मार्जिन में जरूर आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है। लेकिन जैसे जैसे ही प्राइस एडजस्टमेंट होगी तो इस स्टॉक की जो मार्जिन्स हैं वो भी आपको इंप्रूव होते दिखेंगे और इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको आने वाले टाइम में जरूर इंप्रूव होती दिखेगी। तो अब लोग इस पे बहुत ही ब्यूलिश है, इन्वेस्टर बहुत ही ब्यूलिश है। आप इसको धीरे धीरे करके एक्युमुलेशन कर सकते हो, लेकिन आप इसको डिप में खरीदें। अभी ये जो स्टॉक है थोड़ा तेजी से भाग चुका है, थोड़ा सा डिप मिलता है तो आप इस स्टॉक में इंटर करना शुरू कर सकते हो, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें, सिप के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें और अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स के साथ ही जाएं। सो एंड में हम आपका थैंक्स कहेंगे, आपने हमारे को टाइम दिया, हमारी वीडियो को सुना। आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा।